अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फौजिया व्लॉग, और आज जो हम बनाने वाले हैं वो है ब्राउनी केक। और मेरा फेवरेट केक है ब्राउनी केक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने बटर पेपर कट कर लिया था, ठीक है। तो इसे अभी हम ग्रीस करेंगे। पहले मैंने ऑयल लगाया था, ठीक है, फिर उसके बाद बटर पेपर उसके अंदर लगा के फिर हमने ग्रीस दोबारा से इसको किया, ठीक है। और जिसके पास सांचा नहीं है तो उसके लिए ये बेस्ट है। आप देगची में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास सांचा नहीं है, तो वो नॉर्मल कोई सी भी देगची हो, ठीक है, बर्तन हो, उसमें आप बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी इस पर ट्राई किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये आप देख सकते हैं, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी पैकेट वाला, ठीक है। और लास्ट टाइम जब हम राशन लेने गए थे तब मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा चलो इस बार पैकेट वाला क्यों ना हम ट्राई करके देखते हैं कैसा बनता है, ठीक है। ये फ़र्स्ट टाइम है, मैंने कभी भी ये पैकेट वाला नहीं बनाया, तो इस बार ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को भी पसंद आए और अच्छा सा बन जाए। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा पैकेट मैंने ऐड कर दिया और दो अंडे भी ऐड करूँगी, ठीक है। और ये जो बॉक्स है, सॉरी जो पैकेट है, इस पे सब मेंशन है कि आपने दो अंडे ऐड करने हैं, ऑयल ऐड करना है, पानी ऐड करना है, ठीक है, उस पर सब मेंशन होता है। तो आप उसको देख के आप बना सकते हैं आराम से, और टाइम की भी बचत हो जाती है। इस तरीके से आप जल्दी से केक बना सकते हैं अगर आप पैकेट वाला यूज़ करते हैं तो। अब हम ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी, ठीक है, और लास्ट में हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपने पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है और फिर पानी ऐड कर लें इसके अंदर। अब ये सारा बटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है, सांचे के बगैर। तो अभी हम इसको चूल्हे पे रखेंगे बिल्कुल ही हल्की आंच पे। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, शूट नहीं कर सकी, ठीक है। अगर आप चाहें तो चॉकलेट चिप होती है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ऐड किया था और मैं वो वीडियो बनाना भूल गई थी, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा लगाई थी ताकि इसकी हीट बाहर ना निकले, ठीक है। अगर हीट बाहर निकलेगी तो केक बेक अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। और आपने आँच बिल्कुल हल्की सी रखनी है, और 35 से 40 मिनट में केक बेक हो जाता है, ठीक है। तो साथ साथ आपने चेक भी करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि हमारा केक बेक हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारा केक बेक हो चुका है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी था, और आप ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। आई होप आप लोगों को भी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसा बना। पापा
मेरा परिवार। तुम नहीं समझोगे, कोई बात नहीं। और अभी हम लेट नाइट मूवी देख रहे थे और मूवी का नाम है द गुड डायनासोर। और आपने पिछला सीन देखा होगा, वो बेस्ट सीन है, मुझे इस मूवी में सबसे अच्छा सीन वही लगता है। और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और आप लोग भी ये मूवी देखें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।